बड़ी क्रीपी क्रीपी लुक आती है, बट यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये ब्लैक कलर का लिप बाम है जो आपके स्किन के पीएच को अडैप्ट करता है। मेकअप से पहले भी कोई अच्छा मॉइस्चराइजर देख रहे हो ना, ट्राई दिस वन, अ वेरी प्रिटी पिंकिश न्यूड कलर। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back with my favorites. आज मैं बात करने वाली हूँ July favorite products की। First of all, thank you so much for loving my previous favorites video. I know आप सबको बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने concept दोबारा introduce किया and last video को आपने बहुत प्यार दिया। Thank you so much. Now I'll try नहीं, I will be regular this time. So फटाफट से बात करते हैं July favorites की without any further ado. सबसे पहले start करते हैं skin care के साथ। So product number one, जिसकी हालत देख के आप पहचान नहीं सकते हो कि मेरा फेवरेट रहा होगा, नॉट जस्ट जुलाई, आई वुड से जून से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ। सो दिस इज द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट रेंज का हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर। सो इनका जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम आता है ना, इन्होंने उसी रेंज का एक पूरी स्किन केयर रेंज निकाली है। बेसिकली ये उसका फेस वॉश है और आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा इसकी बुरी हालत कर दी है। दिस इज रियली 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 नाइस। सो रिसेंटली मेरे एक्ने जो है थोड़े से काम डाउन हो गए हैं। अब मुझे एक्टिवली इतने ज़्यादा कोई बड़े बड़े एक्ने नहीं होते, थोड़े बहुत जिट्स होते रहते हैं, वो तो चलो कोई नहीं। सो मैं अभी एक्टिवली इतना कोई वैसा फेस वॉश नहीं यूज़ कर रही जो साइलिक एसिड, काफ़ी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लाइक रात को यूज़ कर लिया या फिर हफ्ते में दो तीन बार यूज़ कर लिया, बट आजकल जो मैं रेगुलर बेसिस पे फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ यही वाला है। दिस इज़ रियली नाइस। इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, आई एम टेलिंग यू दिस विल सूट यू। बहुत अच्छे से स्किन को क्लेंस करता है, लव द फैट फोमिंग है, बहुत अच्छे से फोम होता है, स्किन को क्लेंस कर देता है। और इसको यूज़ करने के बाद ऐसे स्किन ड्राई सूखी सूखी लगती या फिर बीच में ना नोज पील होनी शुरू हो गई थी, मुझे प्रोडक्ट रिएक्शन हो गया था, तो मेरी पूरी नोज़ वाला एरिया ना ऐसे पील होने लग गया था। सो आई लव द फैक्ट इससे वो पीलिंग सेंसेशन नहीं आती, काफ़ी फेस वॉश ना ऐसे स्किन को सुखा देते हैं तो एक पीलिंग सेंसेशन फील होती है, इसके बाद ऐसा नहीं होता। तो ये तो आप मेरे जून जुलाई का फेवरेट बोल सकते हो, मैंने पूरा निचोड़ ही दिया है। और रिसेंटली मैंने इसका मॉइस्चराइजर भी शुरू कर दिया। वैसे मैंने पूरी रेंज रिव्यू करी हुई है, मैंने आई सीरम स्पेसिफिकली रिव्यू किया था मेरे चैनल पर, वो कोलैबोरेशन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने इन प्रोडक्ट्स की भी बात करी थी, बट आजकल मैं और ज़्यादा इनको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर आई थिंक मैं लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी थोड़ा बहुत बीच में डेंट आना शुरू हो गया है। अगेन वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, मतलब इसके ऊपर मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होता है। इफ़ यू हैव लाइक ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन, अगर मैं बोलूँगी ड्राई स्किन नहीं, जैसे मेरी ऑयली स्किन है लेकिन काफ़ी बार डिहाइड्रेटेड हो जाती है बिकॉज मेकअप करते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं या कोई प्रोडक्ट रिएक्शन वैसे सूखी हो जाती है, काफ़ी बार आप AHA BHA बेस्ड कुछ पील यूज़ कर लेते हो, उससे भी स्किन हल्की हल्की ना एक डिहाइड्रेटेड फील होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। आजकल मैं डे टाइम में रेगुलरली यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, मैंने 2-3 बार इसके ऊपर फुल कवरेज वाला मेकअप किया है एंड इट वर्क सो वेल। सो अगर मेकअप से पहले भी कोई अच्छा मॉइस्चराइजर देख रहे हो ना, ट्राई दिस वन, अगेन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैं डेफिनेटली येस बोलूंगी। इट्स लाइक अ प्लम्पिंग क्रीम, इस पर लिखा भी है प्लम्पिंग क्रीम फॉर डे, इनका एक नाइट टाइम का भी आता है बट ये डे क्रीम है इनकी, बहुत अच्छी है। इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है तो मेक श्योर कि आपकी जो स्किन है हल्की सी डैम्प हो, लाइक हल्की हल्की गीली होनी चाहिए, इसके ऊपर लगाओगे ना और अच्छी इसका एक इफेक्ट आता है। बेसिकली सीरम भी सेम वे में यूज़ करना होता है, इसका सीरम भी मेरा फेवरेट है, वो तो आई थिंक पूरा आप मेरी जिंदगी भर का फेवरेट आप बोल सकते हो। 2022 से मैं शायद यूज़ कर रही हूँ, 2021 से यूज़ कर रही हूँ, 1, 2 and 3 अब चल रहा है, सो वो तो मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, आई ऑलवेज परचेज दैट। सो वो सीरम तो मेरा फेवरेट है ही, बट अब ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हो गए हैं। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लॉरियल, ये पूरी वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी, तो आपको सारे रिकमेंडेशन नॉन स्पॉन्सर्ड मिलने वाले हैं। ये भी बात हो रही है, एक और प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ये क्योर्स का मैटिफाइंग टेंटेड सनस्क्रीन जो अब न्यू पैकेजिंग में आ गई है। अगर आप मेरे पुराने OG फॉलोअर या सब्सक्राइबर हो आपको पता होगा 2021 में लास्ट ईयर मैंने क्योर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही सनस्क्रीन स्पेसिफिकली रिव्यू करी थी और तब इनकी एक लंबी वाली ट्यूब आती थी। अब इन्होंने पैकेजिंग थोड़ी सी रिवाइज कर दी है, बट ये बहुत अच्छी टेंटेड सनस्क्रीन है जो मैट है, मतलब व्हेन दे से मैट दे मीन इट, ये वोली मैट नहीं है कि चलो हल्की सी नरिशमेंट वाली मैट है, ये एक्सट्रीमली मैट है। सो और आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, मतलब अभी जैसे मॉनसून का टाइम है, स्किन ऐसे ग्रीसीनेस बहुत ज़्यादा होती है, ट्राई दिस वन, ये एकदम मैटिफाई कर देती है आपके फेस को। सो इट इज़ टेंटेड, इसका एक बहुत लाइट एक ऑरेंजिश टिंट आता है जो इंडियन स्किन को बहुत अच्छे सूट करता है, तो इसकी वाइट कास्ट नहीं आती बिकॉज टिंट ऐसा है जिससे वाइट कास्ट बनती ही नहीं है, एक ऑरेंजिश लुक अपने आप चली जाती है, आपको बिल्कुल
ऐसे ऑरेंजिश भी लगेगा, लाइक यू कैन सी। एंड ये प्रॉपर मैट है, मतलब इसको लगाते आप इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट नहीं ड्रैग कर सकते, बिकॉज ये आपकी स्किन को एकदम मैटिफाई कर देती है। सो अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए एक प्रॉपर मैट सनस्क्रीन देख रहे हो, ये ट्राई करो। क्योर्स के साथ मेरा कोड भी है, आई हैव एफिलिएट कोड विद देम। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे, मेरा कोड यूज़ कर लेना कशिका 15, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा विच इज़ गुड। आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ा नए पैसे कमा लूँ यार, अच्छे रिकमेंडेशन कर रही हूँ, सो ले लिया करो मेरे कोड से। सो दिस इज़ फ्री ऑफ ऑक्सीबेंजोन एंड OMC। मैंने काफ़ी बार बात करी है कि जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो, मेक श्योर आपकी सनस्क्रीन ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री हो, बिकॉज PCOD हार्मोनल इश्यूज़ वाले लोगों लड़कियों के लिए ये सेफ रहता है। वो वाली सनस्क्रीन आप ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करो। सो इट हैज़ SPF 50 विद UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। सो सारे टर्म्स के हिसाब से ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। लेट्स टॉक अबाउट मेकअप कैटेगरी नाउ। स्किन केयर मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो ये तीन ही मेरे इस मंथ के फेवरेट है जो मैंने यूज़ करना शुरू किया है, रियली लाइक इट। मेकअप कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर। सो इसको आप मेरा रीसेंट फेवरेट बोल सकते हो। क्या ये ऑगस्ट फेवरेट है? नहीं, वैसे मैंने जुलाई के लास्ट वीक में खोल दिया था, हाँ, तो उसको आप जुलाई फेवरेट भी बोल सकते हो। सो ये है स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग पाउडर एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। एक तो इसकी पैकेजिंग बड़ी क्यूट है, अंदर आपको ये बड़ा प्यारा सा पफ मिलता है, और ये रहा आपका लूज पाउडर। मैंने थोड़े बहुत होल्स खोले ही नहीं जानबूझ के, खाली आधा खोला, बिकॉज वरना ना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एंड यू कैन सी। सो ये व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है एंड इट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन रियली वेल। इनफैक्ट मैं हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर यूज़ करती हूँ ना, व्हाइट कलर का ईजी बेक, वो स्क्वायर शेप में आता है, आप इसको उसकी एक सस्ती कॉपी बोल सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हुडा के जैसे वर्क करता है, वो तो ऑब्वियसली हाई एंड चीज़ है, बट उसका एक अफोर्डेबल ड्यूप अगर मैं बोलूँगी, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करता है। इट एक्चुअली मैटिफाइज योर फेस रियली वेल। आप देख सकते हो, अभी भी मैंने ये यूज़ किया था आज, मुझे 2 या 3 घंटे हो चुके हैं वो ये यूज़ कर रहे हो, बिकॉज मैंने अभी एक और वीडियो इससे पहले शूट करी थी, एंड स्टिल मेरी स्किन बहुत अच्छे से मैटिफाइड है, कोई भी अननेसेसरी ऑयल प्रोडक्शन इतना नहीं है, एंड इट इज़ लाइक हैंडी एज वेल। आपने कोई भी बैग में भी कैरी कर सकते हो। अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, यू लाइक यूजिंग लाइक लूज पाउडर, तो ये रीटच के लिए भी बहुत अच्छा है। अंदर स्पंज है, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड दिस इज द ट्रांसलूसेंट वन। इसका कोई शेड नेम नहीं है, खाली ऐसे ट्रांसलूसेंट पैकेजिंग में आता है, मैं इसका लिंक दे दूंगी। ये भी मेरे हाइप स्टोर पे अवेलेबल है, आपने हाइप स्टोर से ले सकते हो, आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तो आई थिंक स्विस ब्यूटी पे 25% ऑफ चल रहा है हाइप स्टोर पे, सो डेफिनेटली आप वहाँ से ले सकते हो। एंड यस, हाइप स्टोर इज सेफ, डरा मत करो, बहुत डीएम जाते हैं, हाइप स्टोर से ले सकते हैं, आप परचेस कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, जस्ट क्लिक देयर, कार्ट पे जाओ, आप चेकआउट कर दो, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, आपको जो करना आप कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अभी जो आ रहे हैं मेरे पास, वो मुझे हाइप स्टोर से ही आ रहे हैं, सो डिलीवरी भी इनकी सेफ है, सो वरी नॉट, ये आप डेफिनेटली वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट है, वो है ये नायका का कलर करेक्टर। ये मैंने अभी रिसेंटली नायका के रिकमेंडेशन करे थे, नायका की अभी सेल आई थी, हॉट पिंक सेल, मैंने उसमें भी रिकमेंड किया था, बट मैं इसको दोबारा फीचर कर रही हूँ मेरे मंथली फेवरेट में, बिकॉज मुझे आजकल ये काफ़ी अच्छी लगी। सो ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से ली थी, लाइफ में पहली बार मैंने नायका का कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन स्टोर से लिया है। ये मैंने रजौरी में एक स्टोर से ली थी, उन्होंने मुझे स्वॉच करके दिखाया। सो उन्होंने मुझे बताया कि आप हल्के से लाइक वीटेज स्किन टोन में आते हो, आप डार्क की साइड नहीं हो, तो आप ऑरेंज करेक्टर मत यूज़ करो, आप ये पीच करेक्टर यूज़ करो। सो ये नायका का शेड है पीच, जो कुछ दिखता है ऐसे लिपस्टिक फॉर्मुलेशन में आता है, बाय द वे, मतलब ऐसे लिपस्टिक की पैकेजिंग में, और सेंटर में एक नरिशमेंट वाला आपको एक प्रोडक्ट भी मिलता है, और ये साइड से कुछ इस तरह से है। सो इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी पीच कलर का करेक्टर, आप देख सकते हो मेरी स्किन से कितना क्लोज है, ये बिल्कुल भी ऑरेंजिश लुक नहीं देता। सो ये एवरीडे लाइक अगर आप मेकअप करना चाहते हो, आपको डार्क स्पॉट्स नहीं चाहिए, आपको एक सॉर्ट ऑफ फुल कवरेज वाला मेकअप चाहिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। एक तो हैंडी है, फटाफट ऐसे लिया, खोला, मैं अंडर आइज पे लगा लेती हूँ, यहाँ पे लगा लिया, डार्क स्पॉट्स पे लगा लिया, ब्लेंड कर लिया, और उसके ऊपर फिर आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी नरिशिंग, तो बिल्कुल भी आपकी स्किन पे क्रैक नहीं होता। सो अगर आप भी थोड़े से फेयर या फिर वीटिश की साइड हो, आप ये पीच वाला करेक्टर यूज़ करके देखना, यू विल लव इट। लेकिन अगर आप हल्के से डार्क स्किन टोन की साइड हो, तो आपको इसका ऑरेंज ही लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं नायका के करेक्टर में, ग्रीन भी आता है, ऑरेंज भी आता है, पर्पल भी आता है, सो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दे हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम हाइप स्टोर। आजकल हाइप स्टोर के साथ काम कर रही हूँ ना, तो वो काफ़ी प्रोडक्ट्स भेजते रहते हैं, रिव्यू करती हूँ, फिर मुझे पसंद भी आ जाते हैं। सो रिसेंटली उन्होंने मुझे मस्कारा दिया था, दिस इज़ ZM, द ब्रांड नेम इज़ जैन एंड माइजा। मुझे पहले इस ब्रांड का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बट फिर मैंने हाइप स्टोर पे देखी, काफ़ी अच्छी ब्रांड है ये, उसका मस्कारा है, इसका नाम है ब्लिंकिट मस्कारा, 24 आवर लास्टिंग, वाटर रेजिस्टेंट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। मैंने जब वो स्टोरी डाली थी ना, उस पर इतने शेयर्स, इतने सारे रिप्लाइज आए थे कि ओ माय गॉड, बिल्कुल लैशेस ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब दोनों लैशेस में इतना फर्क था ना। सो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को फुलर बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वॉन्ड, आपको रेगुलर वाले जो
महंगे से महंगे मस्कारा आते हैं ना, मैं टू फेस की बात करूँ, मेबलिन का है, उसमें भी आपको ऐसी वॉन्ड नहीं मिलती, इसकी बहुत थिक वॉन्ड है और ये बहुत अच्छे से एक फुलर इफेक्ट देती है। मैं वो वीडियो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी, आप देख सकते हो मेरे दोनों लैशेज में कितना फ़र्क आया था इसको लगाने के बाद। सो दिस इज़ रियली नाइस, ये आप मेरे हाई स्टोर से ले सकते हो, वैसे तो इसकी MRP ज़्यादा है, या दिस फॉर 399 के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बट ये आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा हाई स्टोर से। नेक्स्ट अब आई समथिंग जो मैंने अभी रिसेंटली रील भी बनाई थी, उसमें भी रिव्यू किया था, आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला है, या यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला है। सो आजकल मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ, बेस्ट अंडर 99 की, 99 रुपीज़ के अंडर आपको क्या क्या मिलता है मार्केट में मेकअप में। सो ये मुझे मिले थे इनसाइड के ब्लशर्स, वैसे तो इनका प्राइस है 75 रुपीज़ जो इस पर लिखा हुआ है MRP, बट नायका आपको देता है 80 रुपीज़ का, अमेजोन भी आई थिंक 80 या 90 का देता है, बिकॉज ऑब्वियसली 75 की चीज़ आपके घर तो डिलीवर होगी नहीं। सो ये आपको इतने प्राइस रेंज में मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी शॉप पे लोगे तो आपको 75 के मिलेंगे। ये हैं इनसाइड के ब्लशर्स जो ऐसे पॉट फॉर्मुलेशन में आते हैं, दिस आर वेरी गुड, आप वो रील जाके देखना, मैंने उसमें प्रॉपर भी एक्सप्लेन किया है। एंड आई हैव टू शेड, एक तो ये वाटरमेलन कलर है जो बिल्कुल ब्राइट रेड सा कलर है, लाइक यू कैन सी एकदम चटक लाल वाला कलर है, तो अगर ये फेयर स्किन टोन हो ना तब ज़्यादा अच्छे सूट करेगा। बट मेरा जो फेवरेट ब्लश है वो है ये दूसरे वाला, विच इज़ सॉफ्ट सैलमन, इसका बहुत अच्छा एक ऑरेंजिश अंडरटोन है, मतलब ये बहुत सुंदर लगता है, दिस इज लाइक माई फर्स्ट ऑरेंज ब्लश जो अच्छा लगता है स्किन पे, बहुत अच्छी एक नेचुरल इफेक्ट देता है और इसे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है, ये एकदम क्रीमी है, हल्का सा लगाओगे ऐसे डैप डैप करो बहुत प्यारा ग्लो आता है आपकी स्किन पर। सो आपको हाईलाइटर लगाने की भी नीड नहीं है, एंड दिस ब्लशेज आर गुड, लाइक अगर आप कुछ 70-80 रुपीज़ में कुछ एक अच्छा मिल रहा है आपको ब्लश, तो कुछ बुराई नहीं है, मुझे सूट कर गया। काफ़ी लड़कियाँ कहती हैं इससे एक्ने हो जाता है या फिर हमें रैशेज हो गए, तो देखो मेरे लिए तो ये वर्क किया है। अगर आप एक अच्छा प्राइमर बेस पे लगा रहे हो ना, या फिर अच्छे सनस्क्रीन लगा रहे हो उसके ऊपर आप मेकअप करो, तो इतना कोई एक्ने का रिएक्शन नहीं होता। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, ये ब्लशेस बहुत अच्छे हैं। तब वी हैव लिप लाइनर्स, आजकल मैं लिप लाइनर ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ, बिकॉज जब से मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है वी आर एम्फसाइज्ड कि लिप लाइनर्स यूज़ करने चाहिए। वैसे भी फैशन में लिप लाइनर वापस आ गया आजकल, एक न्यू लिप्स का फैशन है ना, एकदम डार्क कलर का लिप लाइनर लगाते हैं फिर उसके अंदर लाइट कलर की लिपस्टिक फिल करते हैं, मैं आजकल वही कर रही हूँ, आज ही मैंने वही किया है, एंड आई थिंक इससे एक अच्छी लुक आती है। मेरे लिप्स ना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है साइड से स्पेसिफिकली, तो जब मैं ऐसे लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक लगाती हूँ ना, बहुत ही फिलिंग इफेक्ट आता है, तो आजकल मैं यही कर रही हूँ, मैं एकदम डार्क न्यूड कलर का लिप लाइनर लगाती हूँ, दिस इज बाय मार्स। मैंने लास्ट मंथ भी कोई कलर दिखाया था, या लास्ट मंथ के फेवरेट्स में मैंने इसका कलर दिखाया था स्टीमी पिंक, बट इस बार मैं जो कलर दिखा रही हूँ दिस इज स्कैंडलस ब्राउन, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर ये लेने हैं ना, इसका पैक ऑफ 10 का 10 पूरा ले लो, बहुत सस्ता मिलता है हाई स्टोर का, तो बहुत ही सस्ता मिलता है, आई थिंक आपको एक लिप लाइनर 30 या 40 रुपीज़ का मिलेगा, विच इज सुपर अफोर्डेबल और सारे शेड्स अच्छे हैं। मैं तो इनफैक्ट कि लिप लाइनर अपने सारे बैग्स में भी डाल के रखती हूँ, लाइक जस्ट इन केस लिपस्टिक नहीं है या लिपस्टिक कैरी नहीं करी, आप इसको एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। सो ये शेड 04 स्कैंडलस ब्राउन, बहुत प्यारा एकदम डीप ब्राउन कलर है और इससे बहुत अच्छी लिप लाइनिंग होती है, मतलब इसको जब मैं इसे लिप्स लाइन करती हूँ ना एकदम डिफाइंड बनते हैं, आप देख सकते हो आज भी मैंने पूरे फिल इन कर दिए, मैंने फिलिंग भी इससे कर दी थी, सो दैट इसके ऊपर जब न्यूड कलर लगाऊंगी ना तो बहुत अच्छा प्लम्पी पाउटी लिप्स का इफेक्ट आता है। इसको पूरा फिल इन करने के बाद मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी वो है ये वाली, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ बिकॉज आजकल मुझे ये शेड अच्छा लग रहा है। ये है TNW की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, ये बाय द वे ऐसी पैकेजिंग में आती है, इनका एक छोटा सा एनवेलप स्टाइल पैकेजिंग आती है, इसमें आपको 4 लिपस्टिक मिलती है, ये रही बाकी 3, और ये 4th वाली मेरी फेवरेट है, इसका शेड है 08 प्रिटी पीच, ये एकदम लाइट कलर का न्यूड कलर है, तो जब इस लिप लाइनर के ऊपर लगाऊँ ना तो बहुत अच्छा एक शेड बन जाता है, सी कितना अच्छा एक शेड बन गया, बट अलग से ही मैं आपको दिखा देती हूँ, इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी न्यूड कलर। सो मैंने इस लिप लाइनर के ऊपर जब भी न्यूड कलर लगाया ना बहुत अच्छा एक फिलिंग इफेक्ट आया है और अच्छा भी लग रहा था। आई डोंट नो, मेरे डार्क सर्कल्स इतने डार्क भी लग रहे हैं, मैं टाइम पे सोती नहीं हूँ आजकल, मैंने अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा ख़राब कर लिया, बट या सो ये लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप कुछ छोटा और ट्रैवल फ्रेंडली देख रहे हो ना आप ये TNW का पैक ले सकते हो। वी हैव लिक्विड आई लाइनर, ये प्लम का आई स्वेयर बाय लिक्विड आई लाइनर इन द शेड ब्लू, एंड ओ माई गॉड इतना प्यारा ब्लू कलर है ना ये, यही मैंने जुलाई के मंथ में खोला था, इनफैक्ट मैंने इसकी पूरी लाइक फर्स्ट इंप्रेशन वाली एक शॉर्ट स्टोरी भी बनाई थी, आपको मेरे हाई स्टोर के हाईलाइट पर मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव द फैक्ट ये वाले जो लाइनर है ना इसमें प्रॉपर ऐसी ब्रश टिप आती है, आई थिंक जो सबसे पहले लॉन्च हुए थे प्लम के आई लाइनर उसमें फेल्टिप थी, और फेल्टिप से मैं काम नहीं कर सकती, मेरे से विंग नहीं बनता फेल्टिप से, आई कैन ओनली वर्क विद दिस ब्रश वाली टिप, ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है मुझे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत अच्छा है, ब्लू कलर है, इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, लेकिन इतना भी लाउड नहीं है, बहुत सटल भी लगता है और सुंदर भी लगता है। अगर आप डेनिम्स पहनते हो ना, लाइक एवरीडे बेसिस पे डेनिम पहनो, उसका एग्जैक्टली यही कलर है, तो ये बहुत अच्छे से मैच भी हो जाता है। इसका शेड नेम मैं बता देती हूँ, दिस इज
05 मिडनाइट ब्लू, आपको दिखेगा नहीं बट यार दिस इज 05 मिडनाइट ब्लू, बहुत प्यारा लगता है. यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम प्लम एज वेल, प्लम की वेबसाइट पे मेरा कोड वर्क करता है कशिका 15, आप ले सकते हो या फिर हाई स्टोर से भी ले सकते हो, जहाँ सस्ती डील मिलेगी आप ले सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग वेरी वेरी क्रीपी बट यूजफुल. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज जो आई लुक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर जिनकी आई शेडो स्किल्स वीक हैं जस्ट लाइक मी, मेरी थोड़ी सी आई शेडो स्किल्स वीक है ना, तो मैंने ये ऑर्डर किया था सो दैट मैं इस पर प्रैक्टिस कर पाऊँ. अगर आप प्रॉपर खुद पे करोगे, बार बार रब करोगे, हटाओगे, इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज एज वेल, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है. सो दिस इज लाइक अ मेकअप स्टेंसिल एंड ये थोड़ी सी क्रीपी लगती है, मतलब देख के बड़ी क्रीपी क्रीपी लुक आती है, बट यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बट दिस इज परफेक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल द आई शेडो लुक. सो इसमें आईब्रोज भी आप बना सकते हो अपनी शेप के हिसाब से, आप कोई भी आई लुक क्रिएट कर सकते हो, थोड़ी बहुत कॉन्टोरिंग, मतलब आप देखते होगे, आपने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली देखी होगी बहुत लोग इस पर लुक्स क्रिएट करते हैं. द ओनली थिंग इज ये हल्की सी ना, मतलब इसमें टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें पिगमेंट घुस जाता है. सो अगर आप कोई भी आई शेडो कुछ भी कर रहे हो ना, उसको फटाफट फटाफट ब्लेंड करो, अदरवाइज वो पिगमेंट ऐसे अंदर घुस जाएगा, फिर वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा. एंड इसको साथ के साथ क्लीन भी किया करो. अगर आपने कोई भी इस पर आई शेडो लगा के ऐसी कैसी रख दिया, इस पर स्टेनिंग हो जाएगी. आप देख सकते हो इस साइड हल्की हल्की पिंक स्टेनिंग आपको दिख रही है बिकॉज मैंने इसी छोड़ दिया था. टू मोर लिपस्टिक्स इन माई फेवरेट कैटेगरी. सबसे पहले है ये मामाअर्थ की लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, दिस इज द मॉइस्चर मैट रेंज. ये मुझे नायका के पीआर में आई थी एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर मामाअर्थ लिपस्टिक. मैंने इससे पहले मामाअर्थ की कोई लिपस्टिक ट्राई नहीं करी बिकॉज आई डोंट वर्क विद मामाअर्थ, और जब काम नहीं करते पीआर भी नहीं आता, और मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट भी नहीं था लेने का बिकॉज मेरा मामाअर्थ के हेयर केयर एंड ऑल के साथ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने परचेज भी नहीं करी. ये मुझे आ गई थी बाई चांस नायका के पिंक बॉक्स में, आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट. मतलब अगर इसका कोलैब आएगा आई विल डेफिनेटली पिक इट अप, मैं खुद ही बोल रही हूँ, ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी. सो इसका शेड है कार्नेशन न्यूड और ये बेस्ट सेलर है नायका पे. ये वाला जो पर्टिकुलर शेड है इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी पिंकिश न्यूड कलर. आप देख सकते हो सारे जो कलर्स हैं ना वो सेम फैमिली जैसे ही हैं बिकॉज मुझे यही वाले कलर्स पसंद आते हैं. बट दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, इट ग्लाइड्स ऑन लाइक बटर, मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह ग्लाइड होती है. अगर आपके चैपी लिप्स हैं ना तो ये लिपस्टिक आपको बहुत अच्छे सूट करने वाली है बिकॉज एक अच्छी नरिशमेंट देती है बट एट द सेम टाइम हल्का सा एक मैट इफेक्ट देती है, लाइक थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की मैट होनी शुरू हो जाती है. जब आई हैव दिस रेने का लिप बाम, दिस इज द मैडनेस पीएच स्टिक, जो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है. इट्स अ ब्लैक लिप बाम, यस ये दिखता है कुछ इस तरह से. ये दोनों प्रोडक्ट्स तो मैंने जस्ट अभी एक और वीडियो शूट करिए व्हाट इज़ इन माय बैग, आई थिंक इससे पहले आएगी या फिर इससे बाद आएगी, आई एम नॉट श्योर. अगर आ चुकी होगी आप देख सकते हो, मैंने ये दोनों लिपस्टिक उसमें भी कैरी करी थी अपने ट्रैवल बैग में. सो ये ब्लैक कलर का लिप बाम है जो आपके स्किन के पीएच को अडेप्ट करता है. मैंने इसकी पूरी रील बनाई हुई है, इसका लिंक मैं उसमें दे दूंगी. बहुत अच्छा लिप बाम है, लाइक ऐसा नहीं गिमिकी प्रोडक्ट है, ब्लैक कलर का लिप बाम है तो वर्क नहीं करता, बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है, बिल्कुल भी आपके लिप्स चापी नहीं रहते. एंड इट काइंड ऑफ पिक्स अप योर पीएच, लाइक आपके जो बॉडी का पीएच लेवल होता है ना ये वो पिकअप करता है और उसके हिसाब से आपको कलर देता है. सो मैंने जब इसको अप्लाई किया था आई थिंक विद इन 30-40 सेकंड इसमें बहुत प्यारा एक नेचुरल पिंक टोन आया था विच वॉज ब्यूटिफुल, मतलब बहुत अच्छा एक नरिशमेंट का भी काम कर रहा था और एक कलर का भी काम कर रहा था. सबके बॉडी के पीएच लेवल के हिसाब से ये अलग कलर देगा. सो अगर आपको ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है ये रहने का आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. यही मेरे हाई स्टोर पर अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी. ओके नेक्स्ट अप वी हैव दीज ब्रशेज बाय मिनीसो. ये मैंने बहुत पहले लिए थे, आई थिंक जैन शादी से पहले लिए थे मिनीसो से. ये सारे निकल गए हैं बिकॉज मैं अपनी क्लासेस में ऐसे लेके जाती हूँ, स्पेस थोड़ा लेता है बैग से. सो ये पूरा एक आई शेडो ब्रश सेट है, उसमें खाली ये वाले जो ब्रशेज हैं ये फेस के हैं, हाईलाइटर ब्रश है और ये फेस वाला ब्रश है और एक स्पूली वाला ब्रश है. ये मैंने लेके जाती हूँ बट इसके जितने भी आईज वाले ब्रशेज हैं मैं लेके जाती हूँ. एंड आई लव द फैक्ट इनके ब्रशेज पे ना यहाँ पे नेम्स भी आते हैं, लाइक ये वाला जो ब्रश है दिस इज एंगल्ड शेडिंग ब्रश, इसमें एक एंगल मिल रहा है, आप शेडिंग ब्रश की तरह यूज कर सकते हो. दिस इज आई लैश ब्रश, इससे आप बेसिकली आईब्रो फिलिंग एंड ऑल कर सकते हो. दिस इज आई लाइनर ब्रश और ये एंगुलर है, आप देख सकते हो इसमें एक एंगल इन्होंने दिया हुआ है, एक बेंड आया हुआ है. ये मैंने अपनी मैम को भी दिखाया था, शी ऑल्सो सेड कि जो भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे बेंड वाला ही आई लाइनर ब्रश यूज करना प्रेफर करते हैं. एंड दिस इज सुपर थिन, अगर आपको प्रॉपर जेल लाइनर एप्लीकेशन करनी है ना इससे बहुत अच्छे से होगी. देन वी हैव अ बिग ब्लेंडिंग ब्रश, देन वी हैव अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एज वेल, जो बहुत काम आता है स्मोकी आई लुक क्रिएट करने में. एक और बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश है, फिर ये फ्लैट शेडर ब्रश है और ये कंसीलर एप्लीकेशन वाला ब्रश है. मतलब ओवरऑल ये ब्रशेज बहुत अच्छे हैं, फॉल आउट है इनमें से, थोड़ा सा फॉल आउट मुझे फील हो रहा है, लाइक मैं ऐसे निकालती हूँ ना हल्का फुल्का एक फॉल आउट है, बट 500 रुपीज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं. ये मैंने अमेजोन से लिए थे, ये मैंने मिनीसो स्टोर से नहीं लिया, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. द प्राइस ऑफ दिस वन इज 500. बिगिनर्स के लिए जो भी आईशैडो लुक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली चेक इट आउट, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी. नेक्स्ट वी हैव
हैव समथिंग जो मैंने बहुत सालों बाद यूज़ करना शुरू किया है दोबारा एंड आई लव्ड इट. मैंने बीच में डिओड्रेंट्स बिल्कुल बंद कर दिए थे बिकॉज दे ऑल से डिओड्रेंट्स में हार्मफुल वाली वो गैस होती है वो अच्छी नहीं होती, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे. बट रिसेंटली मुझे काइंड लाइफ से एक PR आया था. काइंड लाइफ इज़ अ ब्रांड जिनके साथ मैं वर्क भी करती हूँ बहुत से, उनके पास कोरियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कहीं नहीं केमिकल फ्री होते हैं, मतलब जितने भी कोरियन टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं आपको काइंड लाइफ में मिल जाएंगे. मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है उनके साथ कोलैबोरेशन में. सो दे कीप ऑन सेंडिंग मी PR. सो उसमें मुझे ये रिसीव हुआ था, दिस इज फीलिंग फ्लोरल डिओड्रेंट, इसका ब्रांड है टू बी काइंड. ये आई स्मेल गुड, मतलब बहुत लंबा नाम है, बट या दिस इज द ब्रांड नेम एंड दिस इज 0% एल्यूमिनियम सल्फेट नास्टीज. इसमें वो कुछ भी नहीं है. 48 आवर्स की आपको अच्छी खुशबू देता है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. मैं आजकल ये वाला यूज करूँ, इट्स लाइक दैट पाउडरी वाली जो एक पाउडरी खुशबू होती है ना फ्लोरल वाली, इसकी बिल्कुल वैसी वाली खुशबू है एंड इट काइंड ऑफ लास्ट लॉन्ग. आप इसको बॉडी पे इजिली यूज कर सकते हो. सो अगर आप कोई अच्छा डिओड्रेंट देख रहे हो जिसमें एल्यूमिनियम ये सब जो हार्मफुल चीज़ें होती है ना वो ना हो, आपकी बॉडी के लिए सेफ हो, स्निफ करने के लिए भी सेफ हो बेसिकली, बिकॉज वैसे भर भर के लगाओ तो थोड़ा बहुत आप स्निफ तो करोगे, तो सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस वन इज प्राइस्ड एट ₹249 एंड आई थिंक आपको ये काइंड लाइफ पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. मेरा कूपन कोड भी है काइंड लाइफ के साथ, अगर वो मुझे याद आएगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. And with this, my monthly favorites are over. इन सबके links with all the discount codes, जो भी details होंगी आपको नीचे description box में मिल जाएंगी, जरूर check कर लेना. And do let me know some more video ideas या जो भी video suggestions हो जो मुझे बनाने चाहिए. आप चाहते हो मैं किसी product का review करूँ shorts में, reel के form में, कुछ भी basically मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना. And yeah, I'll see you next time. Bye bye.